हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे, आज नहीं जिस दिन मैं ये वीडियो शूट करी थी उस दिन संडे था। तो ये वीडियो बहुत 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 पुराना है और अब मैं इसे एडिट कर रही हूँ और पता नहीं मैं कब जाके इसे अपलोड करूँगी। तो इस दिन बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी, लाइक बहुत ज़्यादा, और इस दिन ना हमें लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया था। है मैंने नाश्ता वगैरह किया तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह की और फिर सफाई करने के बाद मुझे भूख लगी थी, तो मैंने और हैदर नीना दोनों ने नूडल्स बना कर खा लिए थे। और उसके बाद लाइट गई थी और तकरीबन 7:30 बजे लाइट आई थी, मीन्स कि 3-4 घंटे लाइट बंद थी। और इसके बीच ना हमारा प्लान कितनी दफ़ा कैंसिल हुआ और कितनी दफ़ा हुआ कि नहीं, अगर इतने बजे आ गई तो हम चले जाएंगे, अगर इतने बजे ना आए तो नहीं। है जी, तो यहाँ पे फाइनली लाइट आई थी और मैं पता नहीं यहाँ पे क्यों इतनी छोइयाँ मार रही हूँ। है फिर मैं यहाँ पर ना मुँह हाथ धोया और यहाँ पर हैदर तैयार हो गया था। और हमें कहीं भी जाना होता है ना, सबसे पहले हैदर ही तैयार होता है और फिर उसके बाद मैं और फिर कोई और जाके तैयार होता है, पता नहीं क्यों। है यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ वगैरह भी मंगवा ली थी, पता नहीं क्यों, शायद से हाँ लेट नाइट के लिए, बिकॉज ये व्लॉग बहुत पुराना है तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या करना चाह रही हूँ। है यहाँ पर मामा अपने कपड़े प्रेस करी थी एंड मेरे ऑलरेडी कर लिए थे, तो ये है मेरा ड्रेस जो मैं आज वेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे वेयर कर लिया है एंड इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि बस बाल बनाए और एक दो और साथ में वॉश पहनी और ये पम्प्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था किया। है और फिर हम लोग जा रहे थे अपने तायाबू वगैरह फैमिली के साथ, तो बस हम लोगों ने अपनी सफारी पकड़ी, जो भी पकड़ा, और हम चल दिए अपनी मंजिल पर। और हम लोग गए थे ब्रांड विलेज, जो कि मैं पहली दफ़ा गई थी एंड यहाँ पर लाइक बहुत जगह थी, लाइक आई थिंक ये नया बना है शायद से, क्या पता नहीं। जब हम इसके अंदर गए थे तो बहुत सी ऐसी मार्केट्स थी जो बनने वाली थी, तो हाँ बस अब हम लोग अंदर जा रहे थे एंड मैंने ये बाहर की इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना ली थी कि पता नहीं क्यों। तो अब हम लोग इसके अंदर एंट्री करते हुए एंड हम लोग बस आगे आगे से गए। और जी सबसे पहले हम लोग चले गए थे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, बिकॉज पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम धूजा। तो कैलिफोर्निया का पिज़्ज़ा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही थी एंड मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन मैंने जो फ्लेवर खाया था वो बहुत बहुत मज़े का था, मीन्स के यार कमाल धमाल था। है तो मैं बताती हूँ मैंने कौन सा फ्लेवर खाया, लेकिन अभी हम लोग व्लॉग कर रहे हैं ना तो व्लॉग में जो क्लिप आएगा मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये आ गया था मेन्यू, तो सारे लग गए थे ऑर्डर करने के लिए एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगा के फाइनली हमारा जो ऑर्डर है वो आ गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था क्रीमी टिक्का, जो कि बहुत बहुत लाजवाब था, मीन्स के बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और साथ में ना हम लोगों ने बर्गर भी ऑर्डर किया था और वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, लाइक इतना सा भी मज़े का नहीं था, वो बर्गर कम और शवारमा ज़्यादा लग रहा था। तो वो हमने में से ना सिर्फ भाई ने ही खाया था, बिकॉज अगर हम में से कोई चीज़ नहीं ना खाता तो वो भाई ही खाता है, क्योंकि उसे हर एक चीज़ पसंद होती है। है तो यहाँ पर हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम लोग जा रहे थे अब लिफ्ट में और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एंड यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदे थे और सारे एक ही लिफ्ट में घुस गए और हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, तकरीबन 10 लोग थे और एक इतनी छोटी सी लिफ्ट है। फिर हम लोग बाहर गए और हम लोगों ने सिर्फ एक दो ही दुकानें देखी होंगी, एक दो जगह ही हम लोग घूमे थे। फिर उसके बाद सबको जल्दी पड़ गई कि जल्दी चलो घर चलो ये, तो एंड यहाँ पे हम सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे गए थे एंड यहाँ पे सारा खुला एरिया था एंड यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करने के लिए था और हम लोगों ने बस यहाँ पे ऐसे सामने खड़े हुए और वापस आ गए, मीन्स कि यार आगे जाके देखो आगे क्या है, कोई जा ही नहीं था रहा, तो मैं फिर कैसे अकेली जाती वीडियो बनाने के लिए ना, तो फिर हम बस आगे आगे से ही होके आ गए। और हम बस गुजर रहे थे तो यहाँ पर देखा कि जूतियों की सेल लगी है, तो साथ ही अंदर सारे घुस गए और अपनी अपनी जूतियाँ लेके बाहर आ गए, लेने कुछ नहीं थे। है तो फिर हम लोग यहाँ पर बाहर आके बैठ गए थे एंड यहाँ पर हमने गोला घंटा का ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, तो हैदर ने इतनी ज़िद डाली हुई थी कि मुझे झूला लेके दो, झूला लेना है, मैंने झूला लेना है जंपिंग पैड, तो उसने यहाँ पे गई टिकट ली और तकरीबन सिर्फ 2 मिनट गिन के 2 मिनट वो वहाँ पर गया और ख़ुद ही वापस आ गया। किसने इतना ज़्यादा शोर डाला हुआ था कि मुझे झूला लेके दो, झूला मैंने लेना है, और सिर्फ 2 मिनट बाद अभी ये जो दो झूले लिए ना इसने यही लिए थे और बाहर आ गया। अजीब, इतना शोर डाला हुआ था ना,
खैर तो फिर मैं वापस आई और यहाँ पर हमारा जो गोला गंडा है वो भी आ गया था। एंड सामने ना ये तुर्किश आइसक्रीम थी, हम लोगों ने ये भी ट्राई की थी और इसका मैंने शॉर्ट्स बनाया है जो कि शायद मैं कल परसों में अपलोड करूँ, पता नहीं मैं कब अपलोड करूँ। तो ये यहाँ पर पहले हद ने ये गोला गंडा खाया जो मैंने भी खाया था, और फिर बाद में इसने तुर्किश आइसक्रीम खाई थी जो मेरी थी और मैंने इसको सिर्फ लेने के लिए वीडियो बनाई थी, और बाद में इसने अपना इतना को गंदा मुँह बना लिया कि मुझे ये नहीं दी, और आप इसका मुँह देख सकते हो। और फिर बस हम लोगों ने अपनी यहाँ पे चांद गाड़ी पकड़ी और हम चल दिए घर की तरफ। मुझे तो आज बहुत बहुत मज़ा आया, आई होप कि आप लोगों को भी व्लॉग देख के बहुत मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।